प्रचार नहीं होता, आपको रिपोर्ट कार्ड दिखानी होगी कि 5 साल में क्या कार्य किया, क्या उन्नति हुई, कितना रोड बना, कितना अस्पताल खुला, कितना स्कूल खुला, कितना कॉलेज खुला, ये सब आपको रिपोर्ट कार्ड दिखाने पड़ेगी। आप ममता बनर्जी का फोटो लगाकर वोट मांगेंगे ऐसे होगा नहीं। आपका पार्लियामेंट में अटेंडेंस 17% है, आपने जाने कि कोटो परसेंटेज अटेंडेंस 17%, और यहाँ पे कोई उनको देख नहीं पा रहा कि कहाँ है, कौन है, क्या काम किया है। ममता बनर्जी की मैं बहुत प्यारी वो हूँ, मुझे वोट दीजिए। मोदी जी का मैं वो हूँ, भक्त हूँ, मुझे वोट दीजिए। मोदी जी का छवि दिखाकर, ममता बनर्जी के छवि दिखाकर इलेक्शन नहीं लड़ा जाता। आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए, 5 साल में आपने क्या किया, इस पूरे इलाके में दक्षिण कलकत्ता में क्या काम किया, कितने जॉब्स लगे, कितना स्कूल खुला। हम तो बस्ती एरिया में अपने कांग्रेस के साथ पहला दिन से उतरे हैं मैदान में। मैं बता रही हूं जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है बद से बदतर है, कोई उन्नति नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। मैं दावा कर रही हूं आपको, ये लोकल काउंसलर ने जीरो काम किया है, कुछ काम नहीं हुआ। और ये ममता बनर्जी का फोटो दिखा के वोट दो वोट दो वोट दो, आप लोगों को तय करना है कि आप लोग जो उस कैंडिडेट को देंगे जो आपके साथ काम करना चाह रहा है, जिसका कोई काला धन नहीं है, अपने दम पे इलेक्शन लड़ रहा है। बड़ा बड़ा बैनर ऐसे हमने नहीं लगाया भाई, या आप चाह रहे हैं कि वो पार्टी के साथ शामिल हो जाए जो अगला दंगा आप प्लान कर रहा है, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তে বামফ্রন্ট প্রার্থীদের জয়ী করুন।